बाबू हम फ्लैशबैक अरेस्टर के बारे में छोटा सा चीज जानेंगे, जिसको शॉर्ट में FBA बोलते हैं, फ्लैशबैक अरेस्टर या सिंपली फ्लैश अरेस्टर बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है पहले ये मालूम होना चाहिए, तो वो बाद में बात करते हैं कहाँ यूज होता है। पहले फिगर को देखिए, आप इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या है, गैस सिलेंडर है। अपने घर में खाना बनाने के लिए जो आप रसोई में गैस लाते देखे हैं, देखिएगा एक ऐसा गैस सिलेंडर रहता है, उसके ऊपर में देखिएगा एक आप क्या लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, वहां से आप गैस को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। यदि हमको जरूरत है तो हम चालू करते हैं, बंद करना है बंद कर दिया, ठीक है। तो ये रेगुलेटर लगा है, ये क्या लगा है, रेगुलेटर। फिर देखोगे आप एक ऐसा पाइप लगा रहता है, होस पाइप, या पाइप बोलिए सिंपली होस पाइप लगा रहता है, एक पाइप लगा रहता है। वो कहां जाता है आपके, वो जाता है आपके चूल्हा में जाता है, गैस चूल्हा में जाता है, ठीक है, गैस चूल्हा में जाता है। तो आपको यहां तो क्या है, आपने ओपन में गैस को खोल दिया, तो यहां पे रूम में ऑक्सीजन है और इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसके माध्यम से वहां पे फ्लेम जल जाता है। लेकिन जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं या गैस कटिंग करते हैं, ठीक है, तब तो हमको ऑक्सीजन यहां पे चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं और एक गैस का सिलेंडर रखते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा गैस हो सकता है, एसिटिलीन गैस हो सकता है, मीथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, ये वाली गैस इस सिलेंडर के अंदर रहेगा और इस सिलेंडर में ऑक्सीजन रहेगा। जैसा इसका सिस्टम है रेगुलेटर का वैसा इसमें भी रहेगा, इसका भी सप्लाई लाइन रहेगा, ठीक है। अब क्या करते, ये दोनों को खोल दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्डिंग कर सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं। अब भाई लोग ऑप्शन डाल देगा दोनों एक साथ बिना सोचे समझे, कहीं से देख लिया डाल दिया, वैसा नहीं, समझे पूरा क्लियर होगा। मतलब ये जो फ्लैशबैक अरेस्टर वाली बात हम अभी आगे बताएंगे, ये काहे के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसके लिए, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और गैस फ्यूल सिस्टम है, मतलब फ्यूल में क्या है, गैस और ऑक्सीजन जहां इस्तेमाल हो रहा वेल्डिंग या कटिंग के लिए, वहां पर हमको फ्लैशबैक अरेस्टर लगाना होता। क्यों लगाते, देखिए ये गैस सिलेंडर है, ये रेगुलेटर में चालू किया, इस सप्लाई लाइन के थ्रू, ये सप्लाई लाइन है या होस पाइप जिसको हम बोल रहे, इससे यहां गैस जा रहा, इस सिलेंडर से ऑक्सीजन निकल के सप्लाई लाइन के थ्रू जा रहा, और यहां जहां दोनों पाइप मिला वहां पर हमने क्या लगा दिया, एक FBA फ्लैशबैक अरेस्टर। क्यों लगाए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, गैस कटिंग कर रहे हैं या गैस वेल्डिंग कर रहे हैं इस जगह में। तो हो सकता है कि यहां का ये जो यहां से यहां तक गैस जा रहा है, जब नहीं जल रहा है, गैस वापस ना हो जाए, या यहां जो फ्लेम है, फ्लेम क्या है, आग है, फ्लैश मतलब क्या होता है, फ्लेम, वो फ्लेम वापस ना चले, गैस भी वापस नहीं जाए इस सप्लाई लाइन में और फ्लेम भी वापस ना जाए। यदि चले जाएगा तो क्या होगा, यदि FBA नहीं रहता तो कभी हो सकता संभावना रहेगी कि फ्लेम और गैस रिवर्स हो जाए, वापस हो जाए, वापस हो जाए तो सप्लाई लाइन में आग लग जाएगा, और ये सप्लाई लाइन जुड़ा हुआ आपके गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन सिलेंडर से, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये तो गया खत्म हुआ, ये जो यहां बैठ के यूजर बेचारा वेल्डिंग कर रहा था या गैस कटिंग, गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग कर रहा था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो FBA दो जगह रहता है, एक जगह नहीं लगाता, एक तो यहां पे बताए, एक आपके रेगुलेटर और ये होस के बीच में भी एक हम क्या करते हैं, FBA लगा देते हैं। ये यहां पे भी सेम रहेगा, रेगुलेटर और होस के बीच में हम क्या करते हैं, एक FBA लगा देते, ताकि गलती से ये भी फेल कर गया तो कम से कम ये वाला फेल ना करे। तो अब यदि आपको कोई पूछ ले कि FBA मतलब फ्लैशबैक अरेस्टर या सिंपली फ्लैश अरेस्टर कहां इस्तेमाल होता है, तो ऑक्सी गैस फ्यूल सिस्टम में, जैसे कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग है, वहां पर हम इस FBA का डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये गैस सेफ्टी डिवाइस है, जहां पर हम गैस वेल्डिंग करते हैं या गैस कटिंग करते हैं। अब भाई लोग क्या करेगा, उसमें दो चार ऑप्शन दे देगा, उसमें मान लो कोई गैस का नाम दे दिया, सिर्फ ऑक्सी एसिटिलीन के लिए बताया कि हमने इस सिलेंडर के अंदर नहीं, इस सिलेंडर के अंदर ऑक्सी एसिटिलीन भी हो सकता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इस गैस सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है,
मीथेन हो सकता है, ब्यूटोन हो सकता है, प्रोपिलीन हो सकता है, तो कोई भी गैस जितने के हमने नाम बताए, और इधर ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के साथ यदि हम कहीं पर गैस कटिंग कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, वहां पर हमको प्लेज्मा अरेस्टर लगाना होता है ताकि फ्लेम को इस सप्लाई लाइन में वापस आने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द फ्लेस आर टू स्टॉप द फ्लेम आर फ्लेस इन द सप्लाई लाइन, एक दूसरा टू प्रिवेंट आर टू स्टॉप द रिवर्स फ्लो ऑफ गैस, गैस यहां तक जा रहा है, जब यहां जल रहा है तो ये गैस को इधर वापस नहीं आने देगा, ठीक है, इसके लिए हम फ्लेस बैक अरेस्टर लगाते मेनली फ्लेम को रोकने के लिए, क्योंकि फ्लेम यदि सप्लाई लाइन में आ गया तो फिर एक्सप्लोजन होने से कोई भी नहीं बचा, क्योंकि ऑक्सीजन भी है आपके पास और गैस भी है, और जब यहाँ पे आग लग जाएगा तो हवा का जो एटमॉस्फेयर का भी हवा मिल जाएगा और पूरा का पूरा एक मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई पूछ ले तो आपको दिमाग में रखना है कि ऑक्सी गैस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी गैस फ्यूल सिस्टम में वेल्डिंग या कटिंग कर रहे हैं वहां पर हम FBA या फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।